रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बिजनेस पर्सन को, तो आप लोग ये सुविधा लीजिए और हमारा एक टीम है यहाँ पे, आपको हैंड होल्डिंग करवाएंगे। हैंड होल्डिंग मीन्स आप बायोमेट्रिक डिवाइस से कैसे कस्टमर से ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसे आपका पेमेंट देंगे विदाउट कैश, वो हम लोग हमारा टीम आपको हैंड होल्डिंग करवाएंगे। और जो डिवाइस है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से आप लोग को देंगे। जेम कुछ नहीं है, ये एक जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। जेम एक ये आपका फ्लिपकार्ट या अमेजन की तरह है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ग्राहक अपना सामान खरीद सकता है और बायर्स सेलर्स आप अपना सामान बेच सकते हैं ऑनलाइन। मैं आपको बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट अभी बहुत ही जल्दी जेम प्रोक्यूरमेंट को मैंडेटरी करने जा रहा है ईटानगर और नाहरलगन मार्केट के लिए। सिर्फ मार्केट के लिए नहीं है, जितना भी ईटानगर और नाहरलगन में जितना भी ऑफिसेस है, डिपार्टमेंट्स है, कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट ऑफिसेस जेम के जरिए ही सामान खरीदना पड़ेगा। मैंडेटरीली 100% कंपलसरी कर दिया जाएगा। जेम पोर्टल आप ऑफिसर को भले जानो ना जानो, आप अगर आप सही दाम देता है, सही कीमत देता है, तो आपसे मैंडेटरीली गवर्नमेंट खरीदने पड़ेगा भले आपको जानो ना जानो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जेम पे सब दुकानदारों सब व्यापारों अपना ट्रेडिंग लाइसेंस के जरिए जेम में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनबोर्ड करना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना पड़ेगा। सबसे बड़ा खरीदार सरकार होता है। लगभग हमारे अरुणाचल में भी स्टेट में भी लगभग साल में 3000 से 4000 करोड़ का प्रोक्यूरमेंट में पैसा खर्च करता है सरकार। हम लोगों ने ये आधार से जुड़ा हुआ पेमेंट सिस्टम को यहाँ आकाशदीप में लागू करने की कोशिश एक हम कर रहे हैं। अब ये कोशिश जो है वो सक्सेस होती है या फेल, ये आप लोगों के ऊपर है। व्यापारी लोगों को हम क्या करेंगे, ये बायोमेट्रिक डिवाइस उनका मोबाइल में अटैच कर देंगे। आप कभी भी मोबाइल में, मोबाइल सबका पास है, मोबाइल में वो जहां में चार्जिंग का पॉइंट है उसमें ये डिवाइस लग जाएगा। ये डिवाइस है, बस ये डिवाइस है और ये केवल मोबाइल में लग जाता है, बस इतना सा काम है। बस इस पे अंगूठा रख के सिटीजन जो है अपना जो भी कस्टमर है उसका अकाउंट से आपका अकाउंट में पैसा आ जाता है। कोई भी अकाउंट हो सकता है, कहीं का भी अकाउंट हो सकता है, एक्सिस बैंक का हो, एचडीएफसी का हो, किसी का भी अकाउंट हो, वो कस्टमर का कोई भी अकाउंट हो, वो आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये डिवाइस सस्ता नहीं है। ये डिवाइस जो है ये 5-6 हजार का डिवाइस है एक, तो ये हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो आपको यहां पे ये डिवाइस लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना है जेम पोर्टल पे। यही एकमात्र कंडीशन है और दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। जेम पोर्टल पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ये हमने इनको एम्पैनल किया है क्योंकि हर जगह में डिपार्टमेंट नहीं रह सकता है, तो ये जो एनहेंस्ड होराइजन के जो यहां पे इनके जो ये हैं एम्प्लॉय, ये अपने आप आपको रजिस्टर कर देंगे। इनको पूरा ट्रेनिंग दे दिया डिपार्टमेंट ने, जेम पोर्टल पे रजिस्टर कर देंगे। आपको ये चार कागज जो इन्होंने बताए हैं वो देने हैं और ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर। आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी है, ईटानगर और नाहरलगन में जितना भी डायरेक्टरेट है, जितना भी सेक्रेटेरिएट है, पीडब्ल्यूडी हो या वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट होने से वो अभी जेम पोर्टल का थ्रू प्रोक्योर करेगा। गाड़ी लेना है जेम पोर्टल का थ्रू लेगा, बस लेना है जेम पोर्टल का थ्रू लेगा, कागज लेना है जेम पोर्टल का थ्रू लेगा, पेन लेना है जेम पोर्टल का थ्रू लेगा, टेबल लेना है जेम पोर्टल का थ्रू लेगा। लेकिन क्योंकि सरकार ऐसा बोल रही है कि अगर मैं कल से ही कर दूंगा तो मार्केट वाला लोग बहुत परेशान हो जाएगा, मार्केट वाला लोग बोलेगा आपने समय नहीं दिया हमको, हमको नोटिस नहीं दिया, हमको कुछ बताया नहीं, तो आपको नोटिस दे रहे हैं। तो अभी आने वाले एक महीने में जनवरी में एक ऑर्डर निकल जाएगा सरकार की तरफ से और उस दिन ये पूरा जो रिकॉर्ड हो रहा है हमारे पास प्रूफ रहेगा कि कोई दुकानदार नहीं बोल सकता है कि हमको नोटिस नहीं दिया, हमको खबर नहीं दिया। तो ऑर्डर निकलने वाला है जनवरी में कि ईटानगर नाहरलगन में जितना भी सरकारी ऑफिस है वो जेम पोर्टल का थ्रू ही प्रोक्योर करेगा। पेमेंट फ्री में ले लोगे और इसका बहुत फायदा होने वाला है आने वाला समय में। ट्रेड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हम थोड़ा सा
फ्री कर देंगे जिसके पास में ये डिवाइस होगा. आने वाला समय में हम ये जो आईएमसी का गार्बेज कलेक्शन चार्ज है, सिविक चार्ज है, जिसके पास में डिवाइस होगा उसको डिस्काउंट मिलेगा कि आपके पास डिवाइस है तो आईएमसी आपको डिस्काउंट देता है. आपका 200 रुपए का जगह में 100 रुपया लेगा, 50% डिस्काउंट हो जाएगा. तो ये चीज को आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि आगे में कितना फायदा होने वाला है इसका. तो ये आज में लेकर के ये फ्री का डिवाइस, उस समय फ्री भी नहीं मिलेगा. ऑर्गेनाइज किया है मार्केट के वेलफेयर के लिए. हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार आकाशदीप को वादा किया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मार्केट को सबसे पहले डेवलप करेंगे और ये डेवलपमेंट के लिए पहला कदम है. और आने वाले समय में यहाँ फ्री वाईफाई लगने वाला है. वो प्रोजेक्ट बिल्कुल तट पर पहुंच गया है और एक दो महीने में यहाँ पे बिल्कुल आपको चकाचक फ्री वाईफाई मिलेगा हाई स्पीड पे. तो मेरा आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जेम पोर्टल पे रजिस्टर करिए. रजिस्टर करना नहीं आता है तो हेल्प डेस्क को पकड़ के रजिस्टर करिए और रजिस्टर करके अपना ये बायोमेट्रिक डिवाइस को आप यूज करिए. तो ये स्टिकर मिलेगा आपको ये बायोमेट्रिक डिवाइस का साथ में. ये स्टिकर लगाने से खबर हो जाएगा कि हाँ आपके पास में हमारा डिवाइस है. प्रिंट करेंगे डिजिटल पेमेंट का. उसके लिए हमने बहुत सारे इनाम रखे हैं. ट्रेड लाइसेंस फ्री में रिन्यू करेंगे उसका. इसमें मेरे को अपना पेमेंट देने के लिए एक मिनट लगा है. बस दो मिनट में उन्होंने सेटिंग किया है. 10 रुपए का अमाउंट उन्होंने डाला है और मेरे को खाली एक मिनट भी नहीं लगा है, 30 सेकंड लगा है. बस मैंने अपना अंगूठा से मेरा 10 रुपए का सामान खरीद लिया है. भाई को एक चॉकलेट मेरे को दे देना बस. तो अभी जो है क्या है कि अभी जो है जेम पोर्टल जो है आप लोग के लिए, मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है. तो उसको जो है आज ओपन हो गया और हम दुकानदार लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको रजिस्टर करो और उसको एक्टिवेट करो. हर दो मार्केट को जो ये जो अभी जो डिजिटल मार्केट बनाना चाहता है, ये हम लोग दुकानदार का ओर से प्रिंस धवन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और साथ में ये जो अभी जो है हमारा मार्केट में ये दिसंबर जनवरी का अंदर में वो जो है वाईफाई मार्केट बना रहा है, ये हम लोग के लिए काफी लाभ है. हम कोई भी हमें कस्टमर भी आएगा, हम दुकानदार भी रहेगा तो क्या होगा कि हम फ्री नेटवर्क हम जो है वाईफाई में हम काम कर सकते हैं. जैसे अभी कोई भी सेक्शन में जाता है तो क्यों अपना मोबाइल खोल लेते हैं कि बिना पैसा में नेट को यूज कर रहता है. तो अभी जो है हमारा जो है कैपिटल का डीसी जो है प्रिंस धवन जो है ये भी अभी जो है इनिशिएट कर रहा है. ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. उसे स्पेशली हमारा मार्केट का कमिटी का ओर से इसको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. देखिए ये आज हमने आइम्वा के साथ मिलकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रोग्राम किया है जिसमें कि हमने बायोमेट्रिक डिवाइसेस शॉपकीपर्स को आकाशदीप मार्केट के फ्री में बांटे हैं. और इस प्रोग्राम के तहत ये फ्री बायोमेट्रिक डिवाइस को यूज़ करके वो आधार भीम SBI पे ऐप पे बायोमेट्रिक कैशलेस पेमेंट्स ले पाएंगे लोगों से. तो ये डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने की एक मुहिम है. और साथ ही साथ में हमने जेम रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल मुहिम चलाई है जिसमें कि प्रेजिडेंट आइम्वा की तरफ से और आइम्वा मार्केट की तरफ से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला है. लोग जेम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं. इसमें ऐसा है कि हर चीज़ का सरकार में एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस अभी बहुत आगे तक पहुंच गया है. वाईफाई यहाँ में होके ही रहेगा जनवरी नहीं तो फरवरी तक. इसमें पैसे आ गए हैं, पैसे रिलीज होने को हैं. सिर्फ जिस व्यापारी ने, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस काम को करना है, यहाँ पे जो डिवाइस लगाने हैं उसका थोड़ा सा समय लग रहा है आने में. वो जैसे ही आएगा ये दिसंबर की छुट्टियों के बाद न्यू ईयर के समय में, तो हम यहाँ पे वाईफाई करके यहाँ पे फिर लॉन्च कराएंगे. और इस दिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर आएंगे और लॉन्च को कवर करेंगे. भी आपने बताया कि जो डिवाइस लेगा, रजिस्टर करेगा, उसको ट्रेडिंग लाइसेंस में फ्री रिन्यू करेंगे. लेकिन ट्रेडिंग लाइसेंस रिन्यू तो आपके एडीसी ऑफिस के हाथ में नहीं है, ये म्युनिसिपल करेगा, उसको फिर आप कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईएमसी के अंदर डीसी ही
चीफ म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और ऐसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आईएमसी सब एक टीम है, हम लोग सब मिलजुल करके सारे काम करते हैं। जब आईएमसी को कुछ मदद चाहिए होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद चाहिए होती है तो आईएमसी करता है, आफ्टरऑल हम सब मिल के सरकार हैं। और जो मैंने आपको बताया ये सारे बेनिफिट्स अभी हम धीरे धीरे लोगों को देना शुरू करेंगे, एकदम से नहीं दे रहे हैं, थोड़ा समय लोगों में भी हम जागरूकता चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़ के इन चीज़ों का, बायोमेट्रिक डिवाइसेस का पहले इस्तेमाल करना शुरू करें, जो ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उसी को हम बेनिफिट्स देंगे। पूनम चंद, आपको डिवाइस मिल गया? मिल गया जी। कितना पैसा दिया आपने? नहीं पैसा नहीं दिया अभी। वर्क करेंगे अभी आप? इसको कपड़ों यूज कर लाने पे। क्या काम के लिए? ये ऐसे पेमेंट करती थी माल देने के लिए।